इस लॉकडाउन में ऐसे ऐसे लोग दिख रहे हैं जो बिहार के रहने वाले हैं और लॉकडाउन के पहले वो चले गए थे बाहर में कमाने के लिए, अपनी घर की रोजी रोटी की तलाश में। लेकिन जब लॉकडाउन हुआ तो वहाँ की सरकार के द्वारा उन्हें कुछ व्यवस्था नहीं मिल सका। हालांकि कई राज्यों में देखा जा रहा है कि वहाँ की सरकार के द्वारा कुछ व्यवस्था दी जा रही है, लेकिन अभी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि दिल्ली से अपने ठेले को लेकर के और उस पर सामान को रख करके चल दिए हैं। लगभग सातवां रोज है और वो आज सिवान पहुँचे हुए हैं। तस्वीरों में साफ आप देख सकते हैं, यह दिल्ली से चल करके आए हुए हैं और सिवान में ये पहुँचे हुए हैं। अभी गोपालगंज मोड़ पर पहुँचे हुए हैं, जहाँ पर कई स्वयंसेवी संस्था के लोग हैं जो कि इनको मदद कर रहे हैं। खाने के लिए जो व्यवस्था है, बिस्किट पानी, ये तमाम ज़रूरत की जो चीज़ें हैं ये देने का काम कर रहे हैं। जैसे ही यह सूचना मिली कि ये लोग दिल्ली से चल करके और सिवान पहुँचे हुए हैं और इन्हें बिहार के शायद मधुबनी की तरफ जाना है, दरभंगा की तरफ जाना है, तो हमारी टीम यहाँ पर पहुँची और आप यहाँ पे स्वयं देख सकते हैं तस्वीरों में साफ तौर पर कि ठेला लेकर के और ये लोग दिल्ली से 7 दिनों का सफ़र तय करके सिवान में ये पहुँचे हुए हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वाकई वहाँ की सरकार के द्वारा इन्हें क्या कुछ व्यवस्था दी गई। हम इन्हीं से सुनेंगे कि आखिरकार ठेला से ये लोग क्यों ठेला चला करके आ गए, क्या वहाँ पर कुछ व्यवस्था नहीं मिला। ठेला चला करके आप लोग क्यों आ गए वहाँ से? सर, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं था। वो जो है ना रूम मालिक जो है सो किराया हम लोग को मांगता था, तो 2 महीना तो ऐसे बैठे थे। जो हम लोग को मजबूरी पड़ा तो रूम मालिक बोला भाग भाग जाए यहाँ से। क्या करते थे आप वहाँ? सर, हम लोग थैली माल सप्लाई करते थे मार्केट में। क्या चीज़? तो मार्केट में जो माल होता है, सरिया हुआ, ये सीमेंट हुआ, ये सब करते थे, घुमा कर बेचते थे। हाँ नहीं सर, आपने माल लिया, आपको माल मैंने पहुंचाने के लिए, ये बात ठेला से माल पहुँचाते। हाँ जी, तो मार्केट बंद हो गया सर, 2-3 दिन के बाद एक दुकान खुलता था, उसमें सर हम लोग का कमाई होता था नहीं। ऊपर से जो है सो रूम मालिक बोला भाई यहाँ से भाग जाने। तो आप चले कितने दिन पहले वहाँ से? वहाँ से आज कौन दिन हो गया? आज शनिवार है। शनिवार हो गया। कितने दिन? मैंने आज 7 रोज हो गया हमको यहाँ, यहाँ कल हमको 8 रोज हो जाएगा। कहाँ से चले थे? यहाँ नरेले से चले थे। नरेला से चले थे। नरेला से? हाँ जी। कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग सर 6 आदमी। तो वहाँ की सरकार के द्वारा कुछ व्यवस्था आप लोग को पहुँचाने का? सर, वो सरकार ने बोला भाई जिसको राशन कार्ड है उसको राशन कार्ड देना है। तो हम लोग सर एक दिन गए थे डीलर के पास, बोला तुम्हारा दिल्ली का राशन कार्ड नहीं है, आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, बिहार में जब आप प्रवेश किए हैं तो यहाँ पे बिहार की सरकार के द्वारा कुछ व्यवस्था आप लोगों को मिली है या नहीं? बिहार सरकार हम लोग 2 जगह खाना खिला रहा है सर, जैसे मैंने बॉर्डर पार किया बस वहाँ जो है खाना खाए हैं, दाल चावल और सब्जी। तो आपसे किसी वहाँ पे शिविर में किसी ने नहीं पूछा कि यहाँ से कहाँ जाना है आपको? सर, हमने दरभंगा जाना था, तो सर वहाँ जो शिविर लगा था तो हमने बोला सर 2 रिक्शा हमको, हम लोग का बहुत जान गलत करता है सर, मेहरबानी कीजिए थोड़ा हमको दरभंगा भेज दीजिए। बोला नहीं नहीं, दरभंगा ये रिक्शा नहीं होगा। बस फिर जान हम लोग का सर फूल गया है चलाते चलाते। तो कैसे आप दरभंगा जाएंगे फिर? फिर क्या करें, आराम आराम से ले जाएंगे सर, इसी से ठेले से ही जाएंगे। हाँ, आप लोग का दया होगा तो हम लोग चल सकते हैं ठेले उली लोड करके। कितने लोग आपके साथ हैं? 6 आदमी हैं सर। 6 आदमी? यानी कि सरकार, नीतीश सरकार के द्वारा कहीं कुछ व्यवस्था नहीं? कहीं नहीं कुछ सर, कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग जब यहाँ घूरा हूँ तो वहाँ जो कैंप लगा हुआ था, सर लोग बोला क्या बोले, सर 2 ठेली भी है, कम से कम दया कीजिए जो हम लोग दरभंगा यहाँ से चले जाएंगे। तो बोला क्या नहीं, बस नहीं जाएगा यहाँ से, अभी रिक्शा नहीं लोड करूँगा। तो अब तो मान लीजिए कि आप लोग अपने गाँव जा रहे हैं तो कैसे चलेगा वहाँ का घर, कैसे चलेगा घर परिवार, कैसे चलेगा? आप तो रोजी रोटी आपकी जो कमाने की जो वहाँ पे आप लोग कमाते थे तो सारा बंद हो गया? सारे बंद हो गया सर, तो क्या किया जाए। यहाँ का सरकार ही गलत है, हम लोग का गरीब आदमी को देखता नहीं है, इसीलिए हम लोग 1000 किलोमीटर जाना पड़ता है। अगर यहाँ का सरकार हमको देखे तो क्यों जाऊँ? अगर रोजगार सरकार देती तो आप नहीं जाते? नहीं जाते सर, अभी भी देगा तो नहीं जाएंगे हम लोग, क्या जरूरी है। क्या लग रहा है, नीतीश सरकार कुछ रोजगार देगी आपको? अब जा रहे हैं, नहीं देगा, हम लोग का ये ज़्यादा है। नहीं देगा तो फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे, मजबूरी, फिर जाना ही पड़ेगा। जाना पड़ेगा जी। नाम बताइए अपना।
मेरा नाम सर बुच्चन सदा हो गया, बुच्चन सदा हो गया। आपने देखे बुच्चन सदाए दरभंगा के ये रहने वाले हैं, दिल्ली में रह करके रोजी रोटी की तलाश में गए हुए थे और वहाँ पर जब लॉकडाउन हुआ तो ये वहाँ से अपने ठेले से ही दरभंगा के लिए निकल पड़े। आप तस्वीरों में साफ तौर पर आपने देखा और जाहिर तौर पे इस जिस तरह से इनका कहना है कि जब हम लोग उत्तर प्रदेश की सीमा से एंट्री किए बिहार में तो वहाँ पर इनसे कहा गया कि बस पर ठेला की ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए आप लोग यहां से ठेला चला करके चले जाएं। इनके पाँव में जैसे कि इनका कहना है कि इनके जो पाँव हैं काफ़ी पाँव फूल चुके हैं क्योंकि 7 दिन से ये बेचारे ठेला रेंगते हुए सिवान में आज ये पहुंचे हुए। जाहिर तौर पे दरभंगा जाने में भी कुछ समय हो लगेगा, ऐसे में यही है हमारे सुशासन की सरकार जिसे नीतीश कुमार कहते हैं। ये कहाँ है भाई साहब ठेला वाले, आप बताइए। देखिए ये दो ठेला फिलहाल हमारे यहाँ पे आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि दो ठेला वाले यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। ये सभी लोग दरभंगा के रहने वाले हैं और ये लोग रह करके वहाँ पर रोजी रोटी की तलाश में गए हुए थे। वहाँ पे जो कपड़े की जो शोरूम होती थी या फिर जो थोक मंडी है इनके ही ठेले से वहाँ पे ले जाए वहाँ पे ये लोग ले जाते थे, माल को इधर उधर करते थे, 2 रुपये इनको मिलते थे। लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ तो मालिक ने इन्हें जवाब दे दिया और फिर इनका रास्ता घर की तरफ दिखा दिया। इनसे बात करेंगे कि आप लोग क्यों आखिर वहाँ से ठेला से चलते नहीं है। सर क्या करें, काम मिलते नहीं, कुछ भी भूखे मरना तो वहाँ रुपये थे, 3-2 दिन खाने नहीं खाते थे, वहाँ पर रह के क्या करेंगे, भूखे मरेंगे, कुछ खाने के नहीं मिलता था तो क्या करेंगे, कुछ मिलते नहीं था। वहाँ की केजरीवाल सरकार कुछ व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया केजरीवाल सरकार ने, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ पे जब आप लोग बिहार में आए तो यहाँ पे बिहार सरकार, अभी बिहार सरकार भी कुछ भी नहीं किया, मदद कुछ भी नहीं अभी तक तो नहीं किया, जब तक हम आए रास्ता में कोई मदद नहीं हमको मिला। वहाँ से पैदल ही बॉर्डर से भी पैदल चला गया, कोई नहीं पूछने आया कि हाँ भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ नहीं। कितने दिन से आप चले हैं वहाँ? 7वां दिन है जी आज। 7वां दिन तो काफ़ी दिक्कत होती होगी रास्ते में? दिक्कत नहीं होगा, पूरे रात भर चलाते हैं, दिन में चलाते हैं तो दिक्कत होना ही होना है, दिक्कत तो पूरी है। तो नेशनल हाईवे पे आपको डर भी लगता होगा, बड़े बड़े हादसे बहुत हो रहा है सर, डर तो क्या करें, मजबूरी में चला के आए नहीं तो फिर रिक्शा चला के वहाँ से कैसे आते। तो आखिर क्यों आना पड़ा, क्यों नहीं रुक गए वहाँ पे? काम धंधा नहीं है, कोई कुछ मदद नहीं है कि तो कहाँ से क्या करेंगे सर। कामगार वाले भी बुला रहे होंगे, बुलाएगा ही, जब भूखे सारे मरेंगे तो यहाँ भी मरेंगे वहाँ भी मरेंगे, तो इस वजह चल भाई अपने गाँव पहुँचो। क्यों बिहार की सरकार द्वारा यहाँ पे व्यवस्था आप लोगों को नहीं दिया जा रहा है कुछ? अभी तो कुछ नहीं पता चला जी, हमें आपको नहीं दे रखा है अभी तक तो। आप लोग तो नीतीश कुमार की सरकार को बनाए थे? नीतीश को बनाए थे मगर हम तो अभी है नहीं यहाँ पे, अभी कुछ पता ही नहीं चल रहा है कुछ। अभी घर वालों लोगों के पास कुछ व्यवस्था या फिर जो दाल रोटी है वो सब अन्न दाना पहुँच रहा है चावल वाले? अब ये तो नहीं पता जी हमें कि पहुँच रहा है कि नहीं। होती है फोन पे? नहीं हो रहा पता है, कभी होता है कभी नहीं होता, लाइट भी नहीं रहता, चार्ज ही नहीं होता मोबाइल। तो फिर आप कैसे दरभंगा यहाँ से जाएंगे? आप पैदल चलाइए, चले रिक्शे चला के जाएंगे और क्या, किसे जाएंगे रिक्शे चला के जाएंगे, अब 2 दिन लगे जाए 3 दिन लगे, अभी 2-3 दिन और लगेंगे। हाँ आराम से चला के लेके जाएंगे। तो आपने वहाँ कहा नहीं कि हम लोगों को भिजवाने का कोई बिहार सरकार उपाय नहीं जी? कोई व्यवस्था नहीं, ट्रेन भी चला तो कह रहा भाई 3-3 हज़ार रुपये किराया है, 3 हज़ार ऑनलाइन करवाओ, 3 हज़ार रुपये किराया तो कौन देगा, हम लोग के बस के है कि 3 हज़ार रुपये दे दूँ? कौन मांग रहा था 3 हज़ार रुपये? ऑनलाइन करवाते तो कह रहा कि 3 हज़ार रुपये किराया है। लेकिन श्रमिक एक्सप्रेस तो आ रही है ना, अब ऑनलाइन 2-3 बार करवाया, ऑनलाइन आते ही नहीं है, कह रहे कि मैसेज आ जाएगा, आया ही नहीं मैसेज, कितना भी कर ले 2 बार कर ले 3 बार कर ले आया ही नहीं मैसेज, तो फिर अकेला बोले चलो। तो अब आप लोग घर पर आ गए, लॉकडाउन है तो अब घर की रोजी रोटी कैसे चलेगी? आप तो कमाएंगे नहीं, बाहर कमाते थे, अब देखिए अब क्या होता है। अब तो सरकार से क्या कुछ चाहेंगे आप, कुछ सुविधा उनको तो मदद करना चाहिए कि जो काम बंद है। नीतीश सरकार से क्या करना चाहेंगे? यही कि मदद करो, हम लोग के भी गरीब आदमी की तो मदद करिए, अभी लॉकडाउन सारा कर रखे हैं यहाँ से लगे सब तरफ। नाम बताइए आप अपना। बिंदेश्वर सहनी। कहाँ ग्रहण लगा? बिहार दरभंगा जिला। दरभंगा जिला में कहाँ के? ग्राम मेकना। मेकना के हैं, बनबनखी उधर डगर शाम में। हाँ जी हाँ जी डगर। आपने देखा कि ये तमाम लोग, ये जैसे कि बातचीत हुई, जाहिर तौर पर इनके आँखों में जिस तरह से जो चीज़ें दिखाई देती है उसको देख करके सरकार को भी शर्म करना चाहिए कि ये लोग आज ये स्थिति है हमारे बिहार की कि लोगों को बाहर जा कर के और कमाना पड़ता है, फिर अपने घर की रोजी रोटी चलानी पड़ती है। अगर हमारे बिहार में अगर रोज़गार रहता, बड़े बड़े अगर उद्योग लग रहते तो शायद आज ये बेचारे बाहर नहीं जाते और इस तरह के इनके हालात नहीं होते। आने वाले समय में कुछ ही दिनों में चुनाव होने वाले हैं और जो भी श्रमिक हैं जो मज़दूर हैं
नीतीश सरकार को जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ऐसे में नीतीश सरकार को सबक लेना चाहिए, इन जैसे मजदूरों को अगर रोज़गार नहीं देती है तो जिस तरह से आज इनका हाल है, कहीं ऐसा ही हाल नीतीश कुमार का भी और उनके सरकार का भी आने वाले चुनाव में न हो जाए, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार सिवान।